ये वीडियो दिल्ली का है, जहाँ एक हाईवे पर कार्स क्रैश हो रही है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि कुछ फीट दूर क्या है दिखी नहीं। ये वीडियो 2 साल पुराना है, लेकिन आज भी यही हाल। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, वो एक दिन में 50 सिगरेट स्मोक करने जितना पॉल्यूशन इनहेल कर लेते हैं। ये सच है। हर साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में दिल्ली कुछ ऐसी दिखती है। लेकिन क्यों? Why is Delhi so polluted? असली वजह क्या है? दिवाली के पटाखे, स्टबल बर्निंग या कुछ और? चलिए हम जानते हैं और कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर एक आसान भाषा में वीडियोस बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे आसपास की एयर कैसी होती है ये हमें बताता है। ये स्केल जब 151 से ऊपर जाता है तब एयर हमारे लिए अनहेल्दी है, ऐसा माना जाता है। जब पॉल्यूशन अपने पीक पर पहुंचता है तब दिल्ली का AQI 500 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाता है। इमेजिन एयर क्वालिटी इतनी खराब होना कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी वो मेजर ना कर पाए। एंड द रिजल्ट, अथॉरिटीज ने स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए हैं और एक टेम्पररी लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। घर से बाहर निकलना डेंजरस हो गया है। लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5। ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुस सकते हैं जस्ट फ्रॉम दी एयर दैट यू ब्रीथ। ये पॉल्यूशन हर साल 7 मिलियन लोगों की जान लेता है। ये पॉल्यूशन प्रीमैच्योर इलनेसेस के लिए जिम्मेदार, हर इंडियन की लाइफ 17 सालों से कम कर रहा है। डेटा काफी चीजें क्लियर कर देता है। वेस्ट बर्निंग, इंडस्ट्रीज, डस्ट और ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स। दिल्ली में 1.18 लाख करोड़ गाड़ियां हैं। 2006 में हर 1000 लोगों के पीछे 317 गाड़ियां हुआ करती थी। आज सिर्फ 15 सालों बाद ये नंबर डबल हो चुका है। लेकिन पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन कुछ और ही है, और वो है ज्योग्राफिक लोकेशन। पंजाब, हरियाणा और यूपी में लोग स्टबल जलाते हैं जो विंड्स की वजह से दिल्ली की ओर आते हैं। विंटर्स में हिमालय से आने वाली ठंडी हवा की वजह से ये पोल्यूशन ट्रैप हो जाता है। यूजुअली जो पोल्यूशन ऐसे एस्केप हो जाना चाहिए वो एक गर्म हवा के लेयर की वजह से ऐसे ट्रैप हो जाता है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। सरकार ने स्टबल बर्निंग रोकने के लिए कुछ सॉल्यूशंस ट्राई किए जरूर हैं, लेकिन वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होते। इवन दिल्ली के CM भी मानते हैं कि स्टबल बर्निंग रोकने की जरूरत है। 7 नवंबर को स्टबल बर्निंग दिल्ली के पॉल्यूशन का 48% कंट्रीब्यूटर थी। लेकिन ये वीडियो ब्लेम गेम्स खेलने के लिए नहीं, सॉल्यूशंस पर बात करने के लिए है। नंबर 1, सेग्रीगेट योर वेस्ट। क्या वेस्ट सेग्रीगेशन से एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर वेस्ट बर्न कर देते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स ही प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, लेकिन जब हम गीला और सूखा कचरा सेग्रीगेट नहीं करते तो ये गीला कचरा सूखे कचरे की वैल्यू कम कर देता है। बर्निंग प्लास्टिक कॉजेस कैंसर। काफी सिंपल, आपके घर जो कचरा कलेक्ट करने आते हैं उनसे 2 मिनट निकालकर बात कीजिए। वो खुद आपको बताएंगे कि अगर आप उन्हें प्लास्टिक अलग से देते हैं तो वो बेच कर कुछ एडिशनल पैसे कमा सकते हैं। यानी वो प्लास्टिक यूजलेस नहीं है, रिसाइकल हो सकता है, फिर से यूज हो सकता है। इफ यू आर वंडरिंग कि आपके ड्राई वेस्ट का क्या करें, देन हियर आर सम नंबर्स। आपके शहर में ऐसे किसी रिसाइकलर को कॉन्टेक्ट कीजिए और उन्हें अपना वेस्ट दीजिए। नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन विदाउट ब्लेम गेम्स। नंबर 2, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अक्सर हम देखते हैं कि एक गाड़ी में एक ही बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, बाकी के 3 सीट्स खाली होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना कोई शर्म की बात नहीं, अक्सर डेवलप देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपके शहर में अच्छी सुविधा नहीं है तो फिर आप कारपूल कर सकते हैं, ऑफिस जाते समय अपने कलीग्स को पिक कर सकते हैं, इससे दोस्ती बढ़ेगी, राइट? नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन विदाउट ब्लेम गेम्स। नंबर 3, प्लांट ट्रीज। एक पेड़ लगाने से क्या फर्क पड़ता है? ये डेटा देखिए, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन तो डस्ट की वजह से हो रहा है। पेड़ों के पत्ते हवा तो शुद्ध करते हैं ही, लेकिन साथ ही साथ डस्ट को पकड़ते हैं ताकि वो हवा में मिक्स ना हो। कभी विंटर्स में किसी पत्ते को छू कर देखिए, उसकी सरफेस पर आपको डस्ट मिलेगी। ये सेम डस्ट आपको एलर्जी दे सकती थी। एलर्जी से आपको एक छोटे प्लांट ने ही बचाया, एक ऐसा पेड़ जो किसी ना किसी ने लगाया होगा। तो पेड़ हीरोज नहीं, सुपर हीरोज है। हमें बस उन्हें जीने का एक मौका देने की जरूरत। नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन विदाउट ब्लेम गेम्स। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन। इसका आंसर है वो सब लोग जो हर साल कंप्लेन जरूर करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशंस पर बात करने का समय आए तब चुप हो जाते हैं। इट्स सिंपल, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप इस पॉइंट से सहमत हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कंक्लूजन क्या है? हर साल जब इस समय पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन शुरू होता है तब लोग किसी ना किसी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कोई पटाखों के थ्रू दिवाली को टारगेट करता है जिससे 6,000 करोड़ की भारतीय पटाखों की इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट होता है। कोई किसानों को टारगेट करता है तो कोई दूसरे स्टेट्स। प्रॉब्लम ये है कि असली प्रॉब्लम को तो कोई टारगेट नहीं करता,
असली प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, क्योंकि ब्लेम गेम से आज तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। देश हमारा है, सांसें हमारी है, तो चलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे ही सही कुछ कदम उठाते। अपने दम पर क्या हो सकता है, चलिए एटलीस्ट उस पर बात तो करते हैं। आपको क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशंस हमें कमेंट्स में बताइए, और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एवरीवन, कभी-कभी कहते हैं ना कि प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है। PM2.5 छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट वही करते हैं। तो अगर एक बुरी चीज इतना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, तो शायद हमारी एक छोटी अच्छी स्टेप भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। चलिए एक छोटी स्टेप लेते हैं, कुछ भी हो सकती है। आपकी तरफ से सॉल्यूशंस क्या है हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।